ऐलान जो है वो आज दोपहर 3 बजे हो जाएगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखें बताएगा और इसके साथ ही चुनाव आयोग आज ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू होगी। अप्रैल मई में 7 से 8 चरणों में वोटिंग करवाई जा सकती है। तो अब से कुछ ही घंटों का इंतजार बचा है और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कितने फेजेस में ये चुनाव होने हैं ये क्लियर हो पाएंगे और इसके साथ ही आचार संहिता यहां पर लगेगी और आचार संहिता में उनके उल्लंघन को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये भी यहां पर बताया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसब्री से इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का और हमारे सहयोगी निजाम कंडाली हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, देखिए अब से बहस कुछ ही घंटों का इंतजार यहां पर बच गया है। 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इंतजार खत्म होगा, उन तारीखों का पता हमें चल पाएगा। किस तरीके से कितने फेज में ये चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ और जानकारियां यहां पर मिलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? अंकुर, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा की वर्तमान लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 16 जून तक है, 16 जून 2024 तक, यानी आज से ठीक 3 महीने बाद। और इससे पहले आज चुनाव आचार संहिता के लिए चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता करने जा रहा है और इसके साथ ही अगले 2 महीने का जो कह सकते हैं, क्योंकि जो चुनाव संभवतया जो होते हैं वो 2 महीने के लिए होते हैं, 2 महीने से पहले से जो कार्यक्रम शुरू होते हैं। अगर हम बात करें 2014 के चुनाव की, तब 5 मार्च 2014 को ये घोषणा हुई थी आचार संहिता की। अगर 2019 की बात करें तो 10 मार्च को आचार संहिता लगी थी और इस बार अगर कहें तो 16 मार्च जो है आज आचार संहिता लगने जा रही है जी। इन तीनों ही अगर बात करें 2019 और 2014 की, 2019 में जब 10 मार्च को लगी तो 11 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में पहला चरण जो है शुरू हुआ था। इसके साथ ही अगर बात करें, ठीक है निजाम, आऊंगी आपके पास, आपको यहाँ पर रुकना चाहेंगे। दूसरी तरफ